यूपी की योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गौतम बुद्ध नगर के एसएसपी वैभव कृष्ण को सस्पेंड कर दिया। दरअसल पिछले दिनों वैभव कृष्ण का एक वीडियो वायरल हुआ था, जांच में वीडियो सही पाया गया। इसके बाद वैभव कृष्ण पर निलंबन की तलवार गिरी। सरकार का कहना है कि आचरण नियमावली तोड़ने को लेकर वैभव कृष्ण पर ये कार्रवाई की गई है। यूपी सरकार ने वैभव कृष्ण के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दे दिए हैं। लखनऊ के एडीजी एसएन सावत मामले की जांच करेंगे। दूसरी तरफ वैभव कृष्ण प्रकरण में आरोपों के दायरे में आए सभी 5 आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई करते हुए उन्हें उनके जिलों से हटा दिया है। इसके अलावा मुख्य सचिव के मीडिया निदेशक दिवाकर खरे भी हटा दिए गए हैं। हफ्ते भर पहले ही नोएडा के एसएसपी वैभव कृष्ण का एक वीडियो और चैट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वैभव कृष्ण तुरंत मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर एक मॉर्फ्ड वीडियो जारी किया है, जिसमें उनकी तस्वीर के साथ एक महिला की आपत्तिजनक आवाज आ रही है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वैभव कृष्ण ने ये भी कहा कि महीने भर पहले ही उन्होंने उत्तर प्रदेश शासन को एक अति संवेदनशील रिपोर्ट भेजी थी, जिसमें एक संगठित गिरोह के बारे में अवगत कराया गया था। ये लोग गौतम बुद्ध नगर और उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में एक संगठित गिरोह बनाकर ठेके दिलवाने, तबादला कराने और आपराधिक कृत्य कराने का गिरोह चला रहे थे, और इसी आशंका के चलते संबंधित लोगों ने उनकी छवि खराब करने के लिए इस तरह का वीडियो बनाया। वैभव कृष्ण ने जब वायरल वीडियो को मॉर्फ्ड बताया और शासन को भेजे पत्र का जिक्र किया तो पुलिस महकमे के साथ साथ सरकार के अंदर भी बवंडर मच गया। आनन फानन में यूपी के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह मीडिया के सामने आए। हालांकि उन्होंने दूसरे पुलिस अधिकारियों पर सवाल उठाने वाले वैभव कृष्ण पर ही सवाल खड़े कर दिए। उधर मामला बढ़ने के बाद सीएम योगी ने भी इसका संज्ञान लिया और पूरे मामले पर नाराजगी जताते हुए मेरठ जोन के आईजी से रिपोर्ट मांगी। और जब इस पूरे मामले की जाँच हुई तो सब कुछ सही पाया गया, जिसके बाद जाँच की रिपोर्ट आते ही वैभव कृष्ण को सस्पेंड कर दिया गया। तो ये थी वो वजह जिसके चलते नोएडा के एसएसपी वैभव कृष्ण को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। इस वीडियो पर आप भी अपनी राय रखिए, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस यूपी को सब्सक्राइब कीजिए।